नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रेलवे फाटक झिंझक के बंद हो जाने पर नासरसेड़ा अंडरपास में पानी भरे होने से लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर अब वाहन चालकों में नाराजगी दिख रही है। दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन पर स्थित झिंझक स्टेशन के पश्चिम क्रॉसिंग पर लगातार ट्रेनों के आवागमन से अक्सर भीषण जाम लग जाता था। जाम की समस्या से बचाने के लिए यहां पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। इस काम के लिए क्रॉसिंग से आवागमन बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों के आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता सही न होने से समस्या हो रही है। आम वाहन चालकों को आवागमन के लिए नासरसेड़ा अंडरपास से गुजरना होता है, लेकिन अंडरपास में पानी भर जाने से अब लोगों को काफ़ी समस्या का सामना उठाना पड़ रहा है। पंपिंग सेट लगाकर पानी निकालने के बावजूद पानी कम न होने से वाहन स्वामियों को आवागमन करने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोगों से अंडरपास की व्यवस्था सही कराए जाने की मांग की गई है। We'll be right back.